वेलकम एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मच वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कम्बशन ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ कार्बन. डियर लर्नर्स, किसी भी फ्यूल के कम्बशन के लिए कितना वेट और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर रिक्वायर्ड होगा, ये मैं अपनी लास्ट की वीडियोज में आपको समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. इसके अलावा मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना सिखाया है कि किस तरीके से हम ये वैल्यूज पुट करते हैं. अगर हमें कंपोजिशन दिया हुआ हो पूरा, तो हम कैसे वेट और वॉल्यूम किन फॉर्मूलों को यूज़ करके निकालेंगे, ये मैंने आपको अपनी लास्ट की वीडियोस में सिखाया है. तो आज हम अपना सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें फ्यूल में 3 किलोग्राम ऑफ कार्बन का कंबशन करना है, तो कितना वेट और वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा. जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो कार्बन होता है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से होती है. तो 12 पार्ट ऑफ कार्बन विल रिक्वायर 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंबशन. तो 12 किलोग्राम के लिए 32 किलोग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 3 किलोग्राम कार्बन के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इसको हम देख सकते हैं. वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 3 किलोग्राम ऑफ कार्बन विल 3 किलोग्राम ऑफ कार्बन विल बी 32/12 इंटू 3, ये निकल के आएगा 8 किलोग्राम. तो ये तो है वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड. वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है, हमसे पूछा गया है वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड और वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना होगा. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं हमारी एयर में 23% बाय द वेट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. बाय द वेट 23% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड क्या होगा, 3 किलोग्राम के लिए कितना O2 चाहिए, यानी कि वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है, और 23% हमारे एयर में होता है. तो अगर हम ये फॉर्मूला पुट कर दें, तो निकल आएगा वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना है इस 3 किलोग्राम कार्बन के लिए. तो हम देख सकते हैं हमने वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड निकाला है 8 किलोग्राम/23/100, तो ये निकल कर आएगा 34.78 किलोग्राम. सो दिस इज द आंसर, वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड. हमसे वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड भी पूछा है, तो हम जानते हैं अगर हमें वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या होगा, हमें वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड क्या होगा, ये हम 2 स्टेप में निकाल सकते हैं. एक्चुअली मैं आपको ये 2 तरीके से आपको निकालना सिखाऊंगी. वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, तो हमें पता है वेट ऑफ एयर कितना है, वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना है, हमें इस वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमें हमेशा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा, जिसका भी हम वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं. इस वक्त हम एयर का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम में, तो हमने 28.94 से डिवाइड किया, जो कि मॉलिक्यूलर मास है एयर का. ठीक, और ये हम कन्वर्ट करते हैं NTP पर. सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर
विद द हेल्प ऑफ वेट ऑफ एयर। एक तरीका तो ये है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड जो है वो है 34.78 अपॉन 28.94 इंटू 22.4। इस फॉर्मूले से जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 26.92 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दिए हुए फ्यूल के लिए, दिए हुए कार्बन की अमाउंट के लिए किस तरीके से वेट और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सकता है। हम जानते हैं 12 पार्ट कार्बन के लिए 32 पार्ट रिक्वायर्ड है, तो 12 किलोग्राम के लिए 32 किलोग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 3 किलोग्राम के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी। इससे हमने वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाला है। वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के बाद हमारी एयर में 23% बाई वेट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से हमने वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड निकाल लिया। वेट ऑफ एयर को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमने एनटीपी पर उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। एक तरीका तो ये था वॉल्यूम निकालने का। एक तरीका और है, हम क्या कर सकते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ O2 निकालें। हमने फर्स्ट स्टेप में वेट ऑफ O2 निकाला है, उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा हम जानते हैं, हमें क्या करना होगा, वेट ऑफ O2 को जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एनटीपी पर O2 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। अब हमारी एयर में 21% बाय द वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर निकल सकता है। तो यहाँ हमें इन दो फॉर्मूले के बाद हमें आंसर मिलेगा, और इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया है। तो हमने सेकेंड फॉर्मूले को अप्लाई किया है, और जबकि हम इन दो फॉर्मूलों को अप्लाई करके भी अपना आज का आंसर निकाल सकते थे। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।